लेकिन आप दाई थे, आप मुसले थे, आप समाज के रिफॉर्मर थे, आप इंसानियत को इंसानियत का पैगाम पढ़ाते। लेकिन आज अल्लामा इकबाल ने कहा था, सरों पे बाल देखो तो ये कौन कट शर्म आती है हमारी मस्जिदों के अंदर। हाँ, शर्म आती है। ये इस कदर गिरविदा हो गए मगरबी तहजीब के, इस कदर दिलदादा हो गए उस हैवानी तहजीब के, हाँ, जिसने इंसानियत का, इस्लाम का और तमाम चीजों का आला अकदार और किरदार का जनाजा निकाल कर रख दिया। इनका लिबास देखो तो शर्म आती। आप तो दाई थे मुहताज दावत हो गए, आप मुसले थे मुहताज इस्लाह हो गए, आप इस दुनिया में फसाद बर्पा करने लगे। आपका किरदार बहुत आला होना चाहिए। मोहम्मद इब्ने कासिम में जिक्र करता हूं, एक नौजवान था गुजरात की धरती पर आया, सिंध से इस्लाम लेकर के आया। जब इसी धरती से जाने लगे तो मोहम्मद इब्ने कासिम जब इस दुनिया से जाने लगे तो मोहम्मद इब्ने कासिम का मुजस्मा बना लिया, पूजने लगे। इतना आला अखलाक और किरदार इंसानियत के सामने पेश किया था। आप मुसलमानों की रुसवाई का सबब बन रहे हो। कोई एक थप्पड़ रसीद करे तो गालियां आपकी जबान से, बदतमीजियां आपकी जबान से, आप रिएक्शन के तौर पर किसी हद तक जाने के लिए तैयार, एक मोमिन का शियार नहीं है। आप अपने अखलाक को संवारिए, एक मुसलमान का नुमाइंदा और तर्जुमान बनकर के इस धरती पर जीजिए और दावत की खातिर अपने किरदार को संवारिए, इल्म हासिल कीजिए, तौहीद और सुन्नत को पहुंचाना यह आपका किरदार है, आपकी जिम्मेदारी है, और इंसानियत की फिक्रमंदी करना और इस जलालत तारीकी के माहौल में इल्म की रोशनी और इल्म का चिराग जलाना यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। यह सिर्फ उलमा का काम नहीं है। मेरे नौजवानों, उठो, बेदार हो जाओ और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए काम करो।